हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। सो आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ द लव रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दैट व्हाट एग्जैक्टली योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? आपने बस क्या करना है, आंख बंद करके 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। अब एक चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से कि ये मैटर नहीं करता कि आप अपने पार्टनर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, ठीक है? चाहे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, चाहे आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी खासी बातें होती रहती हैं, इसका किसी भी प्रकार से इस आज की रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। द थिंग इज, आज मैं कैच करने वाली हूँ उनकी एनर्जीज, यानी कि उनकी एनर्जीज आपको लेकर के क्या है, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि एक्चुअली में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, रीडिंग को सुनने से पहले आपने आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, या तो या मैं जब कार्ड शफल करूंगी तब आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, ठीक है? जैसे आप अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे वैसे ही आपकी जो एनर्जीज है वो चार्ज हो जाएंगी कार्ड्स में और आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में पता लग पाएगा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। दिस रीडिंग इज फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों के लिए आज की ये रीडिंग का टॉपिक है। हे ईश्वर गाइड कीजिएगा टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, ये कार्ड नहीं आना चाहता। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइस। फाइव ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ सोर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके सो माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बातें वगैरह हो रही हैं या आप दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। मुझे एक भी पॉइंट यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज की जो ये कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ या तो नो कॉन्टैक्ट में है या फिर किसी प्रकार के कमिटमेंट में नहीं है, ठीक है? दोनों चीज़ें हो सकती है कि आप, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में या बात वगैरह तो करते हो, कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट में तो हो, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, एग्जैक्टली अगर चीज़ें देखी जाएँ तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक कमिटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं तुमसे ही शादी करूंगी या हाँ भाई मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ, वो चीज़ें मैं नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना किसी प्रकार की कोई बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन अभी हो रखी है। उस सिचुएशन को लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उन्हें ऐसा फील होता है कि पता नहीं आगे इस रिश्ते का कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या सिर्फ और सिर्फ मैं ही यहाँ पर हूँ जो इस रिश्ते को बनाने या आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। आगे चल करके इस कनेक्शन का अगर कोई पॉजिटिव फ्यूचर नहीं होता है तो मुझे इस चीज़ को छोड़कर आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। कुछ लोगों के केस में, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ऑब्वियसली बात है कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग है ना, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने मन बना लिया है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है, और कुछ के पार्टनर्स ने अभी सोचा है कि अगर आगे चल के कुछ अच्छा नहीं होता है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म ही करना पड़ेगा।
ठीक है, पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कोई भी हो सकती है, कोई जीता जागता आदमी औरत हो सकता है, या फिर कोई परिस्थिति हो सकती है। अब इस सिचुएशन की वजह से ना, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है, वो डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना जिसने बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे सपने देखे, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने बहुत सपने देखे लेकिन उसका एक भी सपना पूरा नहीं हो पाया। तो आपके पार्टनर की जो भी ऊर्जा है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के करियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पार्टनर के लाइफ के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो कहीं ना कहीं हर किसी को सही सटीक तरीके से ना चीज़ें बयां भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट होते रहते हैं, वो बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सच में हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये कुछ समय का है। मतलब कई बार उनका दिमाग ऐसा भी हो जाता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना भाग जाऊं यहाँ से, ठीक है। सिक्स ऑफ सोच का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, अगर याद हो तो आप लोगों को। तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं यहाँ से, भाड़ में जाए, इस तरह से कराए सब लोग अपनी, और मैं तो ना इसको लेके चला जाऊं यहाँ से, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके बारे में सोचते हैं कि वो आपको पकड़े और आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, किसी ऐसी परिस्थिति या किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ से वो वापस कभी भी पीछे मुड़कर आ ही ना पाए। मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि आप दोनों के बीच में ना मदर्स के इशू हैं, ये आपकी मम्मी है, ये उनकी मम्मी है, या फिर ये आपकी मम्मी और ये उनकी मम्मी है, ऐसी स्थिति भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में ना एक प्रकार का स्ट्रांग मसला है रिलेटेड टू डिफरेंसेस। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना कहीं आप दोनों को जीने नहीं देते, ओके। और ये डिफरेंसेस ना आपको कहीं ना कहीं मार देते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही हूँ, इस इंसान को आपके साथ फैमिली बसानी है। देखो ये रियलिटी है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको आपके अलावा किसी और के साथ शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है, या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो ये आप ही के साथ अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि जिस तरीके का स्वभाव या जिस तरीके का व्यक्तित्व आपका है ना, वैसा और किसी का भी नहीं हो सकता। बट इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आगे इस कनेक्शन का एग्जैक्टली होगा क्या। मतलब जितना लेम और जितना फॉगी आप महसूस कर रहे हैं ना पाइल माई ब्यूटिफुल पीपल, उतना ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको लेकर के फील कर रहे हैं, लेम, डायरेक्शनलेस एंड इन अ वेरी फॉगी सिचुएशन। आगे ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चलो फील तो ये सब कुछ कर रहे हैं, बट आगे आने वाले समय में ये क्या करेंगे। प्यार तो करते हैं, देखो ऐसी बात नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं, प्यार तो है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय में ना, ये आपको ये सब चीजें बयां भी करने वाले हैं कि इनके मन में प्यार तो है आपको लेकर के, ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। कार्ड्स निकालने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको भी आपको समझने में हो सकता है परेशानियां आ रही हैं आजकल। तो नाइट ऑफ सोर्स अगेन, देखो 10 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस और 4 ऑफ सोर्स, ठीक है। प्लीज स्पिरिट्स ये बताएं कि ये कितना टाइम लगा सकते हैं इन सब चीज़ों में, कितना टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उनका नेक्स्ट स्टेप काफी खूबसूरत होगा, लेकिन कब तक। सारे कप्स के कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर का कार्ड,
कई बार क्या होता है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, हमें इंतज़ार के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है वेट के अलावा, तो हमें इंतज़ार करना ही पड़ता है। ना ना चाहते हुए भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है, ना करते हुए भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और वही इंतज़ार की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप उनका होगा अभी चुपचाप पड़े रहना, फोर ऑफ सोर्ड्स। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने करियर पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इन दिनों, वो सिर्फ और सिर्फ पड़े रहेंगे इस विचार में, इस सोच में कि आगे मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी ये जो सिचुएशन है वो सॉर्ट हो जाए, या जो मेरी ये सिचुएशन है ना वो ठीक हो जाए, मुझे ऐसा क्या करने की ज़रूरत है या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो अभी काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग मोड पर रहने वाले आपके पार्टनर, इस रेस्टिंग मोड से वो बाहर आएंगे और आपको किसी प्रकार के एक स्ट्रांग पॉजिटिव यू नो एनर्जी देने की पूरी कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो आपको ये चीज़ समझा सके, ये चीज़ बतला सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी वो इंतज़ार में रहेंगे, ठीक है, इंतज़ार, ये इंतज़ार उनका अच्छा खासा चल सकता है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तब से ठीक 7 दिन या फिर 7 वीक, 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स उनका इंतज़ार रह सकता है, और ये जो इंतज़ार है ना आपकी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी लाएगा। पहली चीज़ तो ये माय ब्यूटीफुल पीपल, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखो आपके पार्टनर अभी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है, या मैं कहूँ कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अभी एकदम सकुचाट वाली एनर्जी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कन्फ्यूज्ड एनर्जी उनकी पूरी की पूरी, ठीक है, यहाँ पर भी आया देखो कन्फ्यूज एनर्जी उनकी पूरी की पूरी, जबकि भगवान उनको बोलने की कोशिश करें कि तुम ऐसा कर लो, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पीछे सिचुएशंस काफ़ी ख़राब है, तो पहले वो उन सिचुएशंस को करेंगे ठीक, 7 of Swords, 4 of Swords, पहले वो करेंगे इंतज़ार चीज़ों को कैसे क्या सही करूँ मैं, फिर वो आइडियाज़ लगाएंगे, वो प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद ये पर्टिकुलर पर्सन आपके पास वापस आएंगे और बहुत रफ्तार से आएंगे। किसी भी साल की नवंबर, दिसंबर, जनवरी, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर ये पर्टिकुलर पर्सन भागा हुआ आएगा आपके पास, ठीक है, बहुत भागा हुआ ये इंसान आपके पास आएगा और भागे भागे आपकी लाइफ के अंदर आ करके ये अपनी इंपॉर्टेंस दर्शाने की कोशिश करेगा, और इनका नेक्स्ट स्टेप आपको लेकर के कहीं चले जाना या आपसे शादी कर लेना है, ये रियलिटी है, ठीक है, इनका नेक्स्ट स्टेप यही है कि शादी कर लेना है आपसे। ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, पता है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और जब ये आपके बिना रह नहीं पा रहे ना तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। आपके लिए ये संदेश माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके लिए यहाँ पर ये संदेश है कि बहुत बार ना हमें जहर का घूंट पीना पड़ता है, बहुत बार हमें चीज़ों को ना चाहते हुए भी भगवान को सौंप देना पड़ता है कि देख लो जी, आप ही देख लो, अब क्या ही हो सकता है, ठीक है, तो समटाइम्स हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, और ये वो आपका समटाइम्स वाला समय आ चुका है, आपको करना पड़ेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सरेंडर नहीं करोगे ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो एक चीज़ याद रखना, कुछ नया आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, इसलिए सरेंडर करना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो सरेंडर करें। अब सरेंडर का मतलब ये होता है कि सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचे नहीं या क्या, पहली बात तो बुरा ना सोचें, दूसरी चीज़ जितना हो सके उतना स्पष्ट रहें, अपने करियर, अपने कार्य के ऊपर फोकस करें, ठीक है, जितना हो सके उतना अपने करियर को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि इस रिश्ते का एंड तो सिर्फ और सिर्फ शादी है, ये तो रियलिटी है, मतलब इस रिश्ते का जो एंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ शादी है, शादी तो होगी, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, आगे आने वाले समय में शादी तो होकर के ही रहेगी, क्योंकि ये इंसान ना इस रिश्ते को एक नया चांस देंगे, गिव रिलेशनशिप अ न्यू चांस, ठीक है, ये एक नया चांस देंगे। आप दोनों के बीच में जो भी रिलीजियस फैक्टर्स है ना, जो भी आप दोनों को अलहदा करते हैं, अलग करते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म होंगे, और दिस पर्सन विल गिव दिस रिलेशनशिप अ बिग चांस, आप दोनों एक दूसरे को और गहराई से जानेंगे, एंड दिस सिचुएशन एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैरिज, शादी तो होगी इन एनी हाउ, आप चाहे सोचो या ना सोचो, बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन, इस सेपरेशन के बाद ही आप दोनों की शादी होगी ही होगी। तो बहुत बार हमें जहर का घूंट पीना पड़ता है, हमें सरेंडर करना पड़ता है, सरेंडर कीजिए, परेशान मत होइए,
जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अपने करियर पे ध्यान देंगे, जितना अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ही जल्दी इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो प्यार तो अभी भी है इनके मन में, आपको लेकर के आज भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आप लोगों के लिए लव रीडिंग मैंने करी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव।